हाँ मेरी तरफ ओके, जो YouTube पे अभी है, मैं यहाँ हूँ ओडिशा के बिंदन पाली में, और यहाँ पे ये कन्वेंशन चौथा कन्वेंशन है जो ये हर साल करते हैं, और मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। अगली बार क्या होगा पता नहीं, एक बार जरा यहाँ दिखा दीजिए और आप लोग अपना हाथ उठाकर बता दीजिए। जी 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 जी, आप लोग या इन सब का स्वागत है, और साथ ही साथ में वो फ्रेम कट कर रहे हो, ये पास्टर लोग हैं, ये सेवक लोग हैं, आप इनको कैसे कट कर देते हो? ओके ना, सो आपका भी स्वागत है। आप जो भारत से हैं, पड़ोस मुल्क से हैं, आप यूके, यूएसए, इटली, मॉरिशस, आप जहां से भी हिंदी भाषा समझते हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। एक आखिरी बात अली ये शुक्ले जोर से, देखो अभी अगली बार आ रहा हूं मैं, कुछ करो इनका। ओके नाउ, मैं चाहता हूं एक खूबसूरत चीज, सब ठीक है, एक खूबसूरत चीज परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, और उसका नाम है कल्पना, इमेजिनेशन। मैं रिपीट करता हूं, एक खूबसूरत चीज परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है जो इनबिल्ड है। इनबिल्ड मतलब वो अंदर है, और उसको कहते हैं कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना, और इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन। सो मैं चाहता हूं, सब तैयार है, मेरा मैसेज स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूं यहां बैठे बैठे आप प्लीज कल्पना करें, इमेजिन करें, आप यहां नहीं हैं, आप एक ऐसी जगह हैं जहां से खड़े होकर, सब तैयार है, जहां से खड़े होकर आप देख रहे हैं कि कुछ जा रहे हैं इस तरफ और कुछ जा रहे हैं इस तरफ। रिपीट करता हूं कि कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि आप यहां नहीं हैं। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, आप यहां नहीं हैं और आप वहां खड़े हैं जहां कुछ इस तरफ जा रहे हैं और कुछ इस तरफ जा रहे हैं, और ठीक आपके पीछे एक सिंहासन है और उस पर कोई बैठा है और उसके हाथों में एक पुस्तक है। यहां ताली नहीं चाहिए था, यहां हाथ चाहिए था। मैं रिपीट करता हूं, आप कल्पना करिए आप वहां खड़े हैं जहां पीछे कोई बैठा है, वेरी गुड, और उसके सामने एक पुस्तक है, और कुछ जा रहे हैं इस तरफ और कुछ जा रहे हैं इस तरफ। अब आप सोच रहे होंगे, या शायद किसी को इशारा मिल गया होगा कि मैं अभी यहां से क्या बोलने वाला हूं, और साथ ही साथ सब तैयार है, साथ ही साथ ये भी कल्पना करें कि जब आप अपने सेंस में आ जाओगे, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति है, मैं नाम जल्दी से बताऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और उसके जैसा पावरफुल, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं नाम बताऊंगा, नाम मत लीजिए, मैं नाम बताऊंगा। ओके सो आपके दिमाग में अभी जो कुछ चल रहा था मेरे आने से पहले, यहां से जो कुछ हुआ है उसको थोड़ा सा साइड करिए, और मुझे मेरी बातों को उसमें आने दीजिए। तो मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या सब तैयार है? अब आप सोच रहे होंगे, यहां जो जा रहे हैं वो कौन है, और ये जो यहां जा रहे हैं वो कौन है? मेरा ये जो हाथ है इसको कहते हैं सीधा हाथ। भैया ऐसा ऐसा कर सकते थे आप लोग, ये है सीधा हाथ जिसको कहते हैं राइट हैंड, और दूसरा है लेफ्ट हैंड। तब आप सोच गए होंगे, बच्चों को शांत करो, आप बाप रे करो करो ठीक करो उसको, क्या है देख लो, वापस आता हूं, सब ठीक है, वापस आता हूं, ये है राइट हैंड, यहां पे कुछ जा रहे हैं और यहां पे कुछ जा रहे हैं। तो लेफ्ट को मैं एक नाम दूंगा और राइट का जो रास्ता है मैं उसको एक नाम दूंगा, और आप लोग समझ ही गए होंगे, जो यहां जा रहे हैं वो है स्वर्ग का रास्ता, और जो यहां से जा रहे हैं वो है नरक का रास्ता। अब आप सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल आपने कल्पना करने क्यों बोला? तो सब लोग तैयार है, बहुत ध्यान से सुनना, जो पीछे बैठा है वह है परमेश्वर, और जब आपको मैं अभी
थोड़ी देर में सेंस में लाऊंगा, जो कि आप आ भी जाओगे तो पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति है जो पावरफुल है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और उसका नाम आप नहीं लेना, मैं लूंगा। ओके, उसके लिए तैयार है ना? चलो तैयार है। मैंने सुबह या दोपहर को बात करते करते दोपहर हो गई थी, मैंने कहा था कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु, और वो बैठे बैठे स्वर्ग में अभी, अकॉर्डिंग टू हिब्रू, नहीं पढ़ना, 7 chapter verse 25, वो बैठे बैठे मध्यस्थी कर रहा है, जिसको मैंने कहा था इंटरसी, मध्यस्थी। सब लोग ठीक है? और वो यीशु जब देखता है कि यहां कुछ आ रहे हैं तो उसको खुशी होती है। क्यों? कम ऑन, जल्दी जल्दी, प्रभु के दास लोग साथ देंगे। जब कुछ लोग यहां जा रहे हैं तो उसको खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बच रहे हैं। लेकिन उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है जब कोई यहां जा रहे हैं, और इसका दर्द, गेट रेडी नाउ, इसका दर्द कुछ 5-6 साल से ये आदमी लेके चल रहा है। मैंने कल कहा था, एक है राइट का ड्राइवर, दूसरा है लेफ्ट का ड्राइवर। लेफ्ट का ड्राइवर आपका कॉफी, आपका चाय, आपका फोन, आपका न्यूज़पेपर सब कर सकता है, लेकिन राइट का ड्राइवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। वेरी गुड, सब ठीक है, उसके हाथ में स्टीयरिंग है। और उसकी मुसीबत यह है, उसकी बिचारे की मुसीबत यह है कि वो दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसका नाम है एम्बुलेंस, और पीछे उसकी गाड़ी में एक शख्स है जिसको कहते हैं मरीज या पेशेंट, और उसको पहुंचाना है। सब सुन रहे हैं? राइट, सब सुन रहे हैं? सबका ध्यान है? भविष्य में कभी भी अगर आप इस व्यक्ति के मीटिंग में आओ तो बहुत संभाल के बैठना, क्योंकि मेरी नजर हर जगह रहती है। आप है मेरे साथ में? उसकी मुसीबत यह है कि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, और उसके पीछे गाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। आप है मेरे साथ में? ड्राइवर दोनों हैं, लेकिन एक है मजाकिया और दूसरा है सीरियस। आज मसीहत में भी दो, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, पास्टर्स बुरा नहीं मानना, ऐसे दो तरह के पास्टर्स हैं, एक है मजाकिया पास्टर, दूसरा है सीरियस पास्टर, और जिसके अंदर इशू है, हालांकि दोनों के अंदर है, लेकिन बत्ती नहीं जलती, मेंटोस की गोली नहीं, क्या नहीं जलती? बत्ती नहीं जलती, समझ में नहीं आता। एक औरत थी, मुझे यहां पे प्लीज थोड़ा ध्यान चाहिए, एक औरत थी, उसका नाम था हजीरा, उसको जब पता चला, हजीरा बताओगे आपको, अब्राहम की याद आ गया आपको? जी, क्योंकि उसको बच्चे नहीं होते थे उसकी पत्नी सारा को, तो इसने कहा कि इससे करवा लो, याद आ गया? जी, और जैसे ही पता चला कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, तो वो अपने बच्चे को लेकर भागी, और जब भागी तो वहां पानी नहीं था, हजीरा ने अपने बच्चे को पेड़ के नीचे रखा और जोर से चीखा और कहा पानी पानी पानी। ऊपर से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और बोला पूछ के ऐसी क्या है कहानी, बोला पानी नहीं है, उसने बोला आंख उठाकर देख बगल में है पानी। आप नहीं समझे शायद अभी भी, वो औरतें थी जो सुबह सुबह यीशु की कब्रों के पास में जा रही थी, मरकुस का 16:2 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि उन्होंने आपस में बातें करी, पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन जब आंख उठाकर देखी तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था। तो यहां दिक्कत क्या है? पत्ती नहीं जलती साहब, दिमाग नहीं खुल रहा है। बाप रे, और एक आ गया, एक व्यक्ति है इसी पृथ्वी के ऊपर और वो भी पावरफुल है, वापस आना होगा, एक व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, वो भी पावरफुल है, और उसका नाम अभी ले लेता हूं, जो पहले बोला था उसका नाम बाद में लूंगा, और जो व्यक्ति यहां अभी है और अभी भी है यहां, अभी है यहां, लेकिन डरना नहीं, उसका नाम है डेविल, उसका नाम है शैतान, वो अभी है यहां। ऐसा कहे देखते हो भाई, क्या तकलीफ है? बाइबल से बात कर रहा हूं ना, वो है ना, नहीं है? हाँ, आप सोच रहे होंगे मीटिंग में कहां से आया, सबसे ज्यादा तो यही आता है वो। कुछ लोग बोलते हैं चर्च में तो कभी नहीं आ सकता, सबसे ज्यादा तो चर्च में आता है वो। यीशु मसीह के टाइम पे जूडस के तो साथ साथ में घूमता था, राइट पास्टर जी? आप है मेरे साथ में? वो कभी नहीं चाहता कि चर्च की सच्चाई से, मेरा हाथ देख लो कम से कम, और बता दीजिए आंख खुले,
वो कभी नहीं चाहता कि हम जैसे प्रचारकों की आत्मिक आंखें खुले। वो कभी नहीं चाहता, जितने यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, वो कभी नहीं चाहता कि पास्टर सच्चाई से आंख खोल के वो पुलपिट से वचन का प्रचार करे, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति मैंने पहले बोला था, मैं उसकी अभी बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? तो इमेजिनेशन में आप बने रहे, कल्पना में बने रहे। मैं फिर पूछूंगा, आप अभी कहां हैं? आप अभी वहां हैं जहां कुछ लोग जा रहे हैं इस तरफ और कुछ लोग जा रहे हैं इस तरफ। जो पीछे बैठा है वो परमेश्वर है और उसके सामने किताबें हैं। और आपको पता है जिस जिस का नाम, मेरा मुझे सपोर्ट चाहिए, जिस जिस का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड, थैंक यू सर, वो लेफ्ट साइड। लेकिन जिसका जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है, आपको एक जोर का झटका धीरे से चाहिए, कम ऑन, सब लोग बात करिए। मैं रिपीट करता हूं, यहां सब ठीक है? ओके, एक जोर का झटका धीरे से चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन, सब मुझे देखिए, प्रतिदिन इस पृथ्वी पे, पीछे थोड़ी हलचल हो रही है, ठीक करिए, पीछे पीछे, ओके, पृथ्वी पे, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, पृथ्वी पे प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं, कोई जानता है? एक स्ट्रैटेजी के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि पृथ्वी पे प्रतिदिन 62,000 लोग मरते हैं। 62,000 पीपल आर डाइंग एवरी डे विदाउट हियरिंग अबाउट जीसस। आपने कुछ सुना? मैं मीटिंग खत्म करके जाऊं घर, मतलब रूम में जाऊं, सपोर्ट का ही नहीं कर रहे फिर। मैं वापस कह रहा हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए यहां से भी, कि प्रतिदिन 62,000 लोग प्रतिदिन मर के कहां जा रहे हैं? मर जा रहे हैं। सोच के देखिए, वो यीशु जो पीछे बैठा है, वो यीशु जो प्रार्थना में बैठा है, उसके दिल में क्या चल रहा होगा। अभी इमेजिन करना शुरू करिए, उनके दिल में क्या चल रहा होगा, खुशी या दुख।